माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग गुटरी टेलने वालों के वंशज नहीं है, हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना, अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है। यहाँ से क्या इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं, वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो से नीचे आराम से बैठ जाए ताकि लोगों को अवसर मिलता रहे। तो चे 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 भीम, चे 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 भीम, जय भीम साथियों, जय मूल निवासी। वे डरते हैं, वे डरते हैं, तमाम दन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फोर्स के बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जनसैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा जमीरों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं जमीर, मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूं। और अगर जिनका जमीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूं आदरणीय माननीय पावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, डकी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जो जनसैलाब आया है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसीलिए जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, एससी एसटी के हक अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनकी, इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूं आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं। हम भारत के लोग, जो लोग खुद विदेशी हैं, वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग गुटरी टेलने वालों के वंशज नहीं है, हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली, गर्व से कहते हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूर थे ना गोरे, गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना, अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहां से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है, तो कल
अपनी तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा, ये देख लो जनसलाब। और साथियों याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र जहां पे लोगों का राज होता है, अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा, और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वोपरि होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बताती हूँ आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। कब तक हो, हम एक एक महिला फूलन है। और याद रखे, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है, कैसे लड़ेंगे, सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो चे 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 भीम, जय अंबेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।